बिहार सरकार के वन और पर्यावरण विभाग की तरफ से एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस 2025 कार्यशाला का आयोजन पटना के अरण्य भवन में किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि पक्षियों की प्रजातियों की गणना होगी। करीब 400 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां बिहार में आती हैं, उनकी गणना विभाग द्वारा कराई जाएगी। 2022 से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। और मुझे अपार खुशी हो रही है बताते हुए, विगत पिछले 22 से विभाग के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और आज जो कार्यशाला है एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस इन बिहार, तो इस संबंध में बताना चाहेंगे, यह कार्यशाला न केवल बिहार में पक्षी संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि यह उन सभी समर्पित व्यक्तियों और संस्थाओं एक मंच पर लाने का काम करती है जिन्होंने इस पहल को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। 2022 में बिहार में एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस की शुरुआत की गई थी। इन 3 वर्षों में हमने 123 जल निकायों का सर्वेक्षण किया है, जिसमें 250 से अधिक